सच में हालत ख़राब है और हम लेटे हुए हैं फिलिंग स्टेशन पे। राइट, ये देखो। सो व्हाट स्पेशल अबाउट दिस पर्टिकुलर सीसीडी इज दैट दिस इज इन द टाइगर रिजर्व एंड देन आई रोड फ्रॉम चंडीगढ़ टू बैंगलोर। संभव? यस। ठीक है, बाय 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 बाय। अंधेरा काफी हो चुका है और रोड पे कोई भी नहीं है। सीरियसली, मतलब देयर इज नो वन ऑन द रोड। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 1। अब लोग राइड पे जा रहे होंगे तो अब हम वापस आ और अब हम चलते हैं अपने मीटिंग पॉइंट की तरफ। तो मीटिंग पॉइंट इज़ गोइंग टू बी द कनकपुरा वाला एंट्री टोल। सो सुबह सुबह अर्थ मूवर्स, यहाँ तो जेसीबी ही बोल देते हैं सब लोग, वैसे एक्चुअल टर्म तो अर्थ मूवर है। हाँ, तो अभी इंजन ठंडा है, आराम से चलेंगे, इंजन को गर्म होने देंगे एंड देन विल मूव अहेड। तो हाँ, एसेंशली ग्लव्स जो है ना मेरे न्यू हैं अभी, इनको ब्रेक इन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बिकॉज क्या है ना कि ग्लव्स भी आपके हाथ का शेप लेते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे देन दे बिकम क्वाइट पार्ट ऑफ योर हैंड व्हाइल यू आर राइडिंग, राइट? सो आपको लगता नहीं है कि इट्स अ ग्लव यू आर वेयरिंग, इट इज़ योर हैंड ओनली। तो एसेंशली हमारा टर्न आ गया है कनकपुरा रोड वाला, सो वी विल हेड टूवर्ड्स कनकपुरा एंड वेट फॉर साजी सर के भाई। और मौसम कितना बढ़िया है यार, मतलब ये है मौसम राइड वाला, एग्जैक्ट राइड वाला जिसको कहते हैं ना मौसम, वो बन चुका है। तो मुझे आई थिंक बाइक लेन से नहीं जाऊंगा मैं, शायद मुझे उससे ही जाना पड़ेगा, तो वो उसमें जाएगा ही नहीं। इट्स वेरी नैरो, इट विल बी डिफ़िकल्ट, स्केल कराना पड़ेगा। हाँ, ये लो, क्योंकि वहाँ ये इतना मोटा बाइक है ना यार, जाएगा नहीं बाइक वाले लेन में, अभी घुस नहीं सकते हम। बिकॉज रीज़न क्या है, अपने बाइक की विड्थ कुछ ज़्यादा ही है। तो लेट्स वेट हेयर फॉर साजी सर, या थोड़ा सा आगे वेट कर लें। कहाँ वेट करूँ यार मैं? ओके, लेट मी वेट देयर, हो सकता है वो वहीं पहुँच जाए। आई विल वेट अहेड, लिटिल बिट अहेड, आई विल वेट देयर। यहाँ पे भी कुछ बाइक्स खड़े हुए हैं। ठीक है, अभी वी आर वेटिंग फॉर साजी सर राइट नाउ। एंड जैसा कि अब सैटरडे या संडे को बैंगलोर में देखने को मिलता है, यू विल सी लॉट ऑफ राइडर्स हु आर कमिंग, साइकिलिस्ट भी, जो जिनका जिनका शौक है कोई ना कोई हॉबी एडवेंचर या टूरिंग वगैरह की, वो लोग आपको काफ़ी दिख जाएंगे इस टाइम पे। तो वेदर तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप उसको देखो इट्स डैम क्लाउडी, और ये आई थिंक राइड वाला मौसम आ चुका है। उसके बाद मैप पे लोकेशन डालेंगे और कनकपुरा रोड लेके हम लोग आगे चलते चले जाएंगे एंड देखते हैं रास्ते में कोई ईटिंग जॉइंट वगैरह मिलेगा तो देन वी विल स्टॉप। सो या दिस इज़ हाउ आई थिंक थिंग्स गोना बी। और या बाइक के बारे में क्या बात करें, बाइक के बारे में तो यार मैं अभी यही बता सकता हूँ, मोमेंट यू गेट ऑन दिस बाइक, वो जैसे ही मतलब वो जो स्पीड है ना उसका आपको एक फियर फैक्टर नहीं आता, फील नहीं होता कि ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी, जो रियर एंड है आपका वो फिशटेल ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बाइक इज़ डिज़ाइंड टू कंज्यूम पैनियर्स एंड द टॉप बॉक्स। तो वो डिज़ाइन ऐसा है ना बाइक का, दिस पार्ट इज़ सो वाइड, मतलब दिस इज़ लाइक, सो एट सम प्लेसेस अभी आपने देखा ही कि कनकपुरा रोड में जब मैं एंटर किया तो मैं बाइक लेन से नहीं निकल सकता था, बिकॉज द विड्थ ऑफ बाइक इज़ सो मच, और उन्होंने बिल्कुल छोटा सा रास्ता रखा है क्योंकि मेरे जो ये बॉक्सर हैं हेड्स हैं वो उसमें लग जाएंगे।
इधर आ जाओ थोड़ा किनारे आ जाओ। अच्छा आपने हेडलैम्प भी चेंज करा लिया था? हेडलैम्प भी चेंज कराया था? एलईडी क्या डाला? लोन राइडर का ब्यूटीफुल इट लुक्स। इट विल मूव नो व्हेन द अकॉर्डिंग टू द टेरेन यू कैन पुश इट। ओह दैट कूल इट। ओह देन क्लीन इट एंड देन क्लोज। ये भी खुल जाएगा। ओह डन गुड यार। थ्री लेयर है ये। Walk around of Brembo brakes again here and dynamic ESA. See here, this is dynamic ESA. Seat lower कराया है इसका भी हिमालयन का? नहीं, this is standard. 800 है, 800 ना standard. Beautiful. This is 18 and what is that? 19 ना? हाँ 19. 19 8. Okay, good yeah. Very comfortable and boxer engine. All this all that guard concept, all that is for what is this additional accessory? This is for the stand switch, the sensor switch. If bike falls. But that is by default or you? No, that's an accessory. Mandatory, you should get it. You should get it done. Because if it senses that it is, it breaks, it senses the stand is down. Bike will not move. But that should come as standard fitment, na? तो वो लोग एडिशनल पे करना पड़ता है। ओके यू विल हैव टू पे एवरीथिंग। बीमर क्लब इज अ एवरीथिंग बट दिस क्रैश गार्ड इज ऑल एन एक्सेसरी। दिस इज अ विद द नाउ व्हाट हैपेंस यू नो यहां से कुछ एक्सटेंडर आता है एंड इट विल कम लाइक दिस। चलो डालता हूं मैं मैप है ना। हां डाल दो। मैं कनकपुर से कोटागिरी। साइड पैनियर भी लगा दोगे तो और भी बड़ा हो जाएगा। अभी इसमें लोन राइडर लगेगा साइड में। हां और जीबी का बैक रेस्ट आल्सो इज गुड यार। हां कंफर्टेबल। यू टू टुक योर वाइफ फॉर अ राइड इन दिस? शी वाज शी डिडंट कम। ओ नाउ शी कांट डू दैट नो मे बी लेटर। हां आता है ना? ये साथ नहीं है ना दोनों। गुड नाइस यार। ओवरऑल इट लुक्स वेरी गुड वेरी नाइस। सर इतना पैसे देके भी नाइस। ऑब्वियसली सुपर। Hello, now we are off to Kotagiri. Now from here to Kanakpura and then from there to Kotagiri. So I think we should reach in another 6.5-7 hours. Hello, this is a new Dynasty. Rose. Real design concept. Impro. Hey, leather hai na pura? Haan, leather hai. Good, for summer riding. Summer riding, maza aayega. Isme matlab refrigerated bhi hai na thoda sa. Haan, abhi chahiye, abhi thoda der baad garmi shuru ho jayega. But this is nice. फिर एक और आपका था ना कोई ये कलर का था जैकेट, वो कौन सा था? यही था क्या? कौन सा? ये हाँ वो घर पर है ना वो। दैट इज अ कंप्लीट मैच। सो दैट इज नॉट अल्पिन सर। व्हाट दैट इज आल्सो अल्पिन सर। यू गॉट टू? ओह दैट इज फॉर व्हाट? रेन वाटर प्रूफ एक्सट्रीम समर। एक्सट्रीम समर। और ये फॉर व्हाट? दिस इज फॉर टूरिंग बस। टूरिंग बस। वाटरप्रूफ भी है ना? अंडरलाइनर है। अंडरलाइनर है पर वो पड़ा है अभी अंदर, मैंने पहना नहीं। आई सॉ समथिंग लाइक दिस कलर यू आर। हां 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 वो भी अल्पाइन स्टार है। वो मेरे को मिल गया ना सेल में, अब अच्छा डील मिल गया तो मैंने उठा लिया। अरे यार दीस गाइस शुड आल्सो थिंक यार, मतलब थोड़ी सी जगह देनी चाहिए। सो यूजुअली ये जो सिंगल रोड है थोड़ा सा इसका ये इशू रहता ही है कनकपुरा का, बट ठीक है ब्लॉक्ड या क्लॉक नहीं रहेगा जैसे मैसूर रोड है। अभी काफ़ी बढ़िया सीन है। ये एक्चुअली ग्रीन हो गए हैं पहाड़। रीज़न उसका ये है कि बारिश हो चुकी है और बैंगलोर में मानसून आ चुका है एंड नाउ दिस इज़ अ राइडिंग सीजन। मानसून राइड्स लोग बहुत लोग प्लान कर रहे होंगे। आप भी प्लान करो अपनी मानसून राइड एंड शेयर योर यू नो एक्सपीरियंस। सो आई लव अबाउट साउथ इज़ के मतलब यहाँ पे ना जो राइडिंग सीज़न है वो बहुत कम टाइम के लिए कम होता है। मतलब अनलाइक नॉर्थ, नॉर्थ में तो जब गर्मी आई तो देन इट इज़ लाइक डन फॉर। स्पेशली इन द प्लेन्स जो एक्सट्रीम प्लेन्स हैं लाइक दिल्ली एंड ऑल, वहाँ तो फिर कुछ बचता ही नहीं है राइड करने के लिए। तो बिकॉज एवरी थिंग इज़ फार अवे एंड देन एवरी थिंग इज़ काइंड ऑफ ब्लेजिंग हॉट। But still, you know, places like Chandigarh, maybe Ludhiana, or maybe Ropard. So these places which are close to hills,
get a better, I think, they are still better because hills are close by, in the sense कि आप जल्दी से hills में जा सकते हो और ride कर सकते हो. But दूसरी जगहों में ये आपको क्या बोलते हैं advantage नहीं मिलेगा. Wow. So जानबूझकर हमने main highway लिया नहीं था. वो reason यही था कि हमें ये छोटी छोटी roads जो है ना, मतलब ये countryside type की roads, इन पर ride करना था. This is the beauty of I think south. So in front of me you can see a large monolith. So मतलब size देखोगे तो आप मतलब बोलोगे कि यार एक object दिखता है सामने. So what I used to do is, जब मेरे पास इंटरसेप्टर था या क्लासिक था, आई यूज़ टू जस्ट कम टू कनकपुरा रोड, किसी ऐसी रोड पे मतलब लेके अपने आप को निकल जाता था एंड जस्ट ट्राई एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, राइडिंग. ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता था कि किलोमीटर कितने कवर कर लिए, ऑब्जेक्टिव बस ये होता था कि ये क्या एक्सपीरियंस है. यार खड़े होके मतलब इतना कूलिंग इफेक्ट आता है ना, सीरियसली वेंट्स पे पूरी हवा लग रही होती है बजाते हो, कूलिंग इफेक्ट आता है पूरा का पूरा. बट यहाँ साउथ के वेदर के हिसाब से मैं टू मतलब आई कैन राइड इन टूरिंग जैकेट. 26 डिग्रीज टेम्परेचर है यार, मतलब सो प्लेजेंट इट इज़. सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू हैव अ ब्रेकफास्ट and we'll be stopping shortly, but even now the sky is blue and the fields are green, so the scenery is really beautiful. If you can see around, bahut hi sundar view dikh raha hai. And I'm just remembering I and Saji sir went for a ride to Badami and Hampi. Aisa hi weather tha wo us time pe bhi, and it was like really, I would say, mesmerizing. एक खास का चीज़ है साउथ इंडिया की, जो सीनरी है प्लेन्स में भी बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुंदर दिखती है. वाओ, बहुत ही सुंदर है यार. तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेंगे. ये है क्या, शियारा बेकरी. ओके, साजी सर भी अनलॉक हो रहे हैं, मतलब अनवाइंड हो रहे हैं, मैं भी अनवाइंड हो जाता हूँ. सो हाँ, ब्रेक हो गया अपना शुरू, जिसमें हम लेंगे ब्रेकफास्ट. और अभी हमने ऑर्डर किया केरला परोठा, एंड वी हैव ऑर्डर्ड व्हाट एल्स वी हैव ऑर्डर्ड, हाँ वी हैव ऑर्डर्ड प्लेन डोसा, वी हैव ऑर्डर्ड कॉफ़ी, तो वो सब हम खाएंगे. और यहाँ पे गोप्रो को मैंने रख दिया थोड़ा खोल के इधर, ठीक है. रीज़न इसका क्या है कि मतलब वंस यू ओपन इट, तो वो जो हैंगिंग का प्रॉब्लम आता है ना कभी गोप्रो में, बंद हो जाता है, इट स्टॉप्स वर्किंग, वो नहीं होता है. सो दिस इज़ अ टिप, यू के गाइज कैन ऑल्सो यूज इट. सेटिंग हिज बाइक, मैं अपना ज़रा क्रॉस कर लेता हूँ रोड को, बिकॉज मुझे थोड़ा सा अभी एक्सपीरियंस जैसे कि कम है, तो मुझे हर चीज़ को बहुत प्लान करके चलना पड़ता है इस बाइक के साथ. तो वहाँ छाए में वेट करते हैं, जैसे ही हम साजी सर को देखेंगे उसी टाइम हम चल देंगे. फ्रेंड्स, इस टाइम पर जब मैं चंडीगढ़ से राइड कर रहा था, टेम्परेचर वॉज ऑलमोस्ट टचिंग 40 डिग्रीज, अभी है 29 डिग्रीज प्लस. तो ये है प्लेजेंट वेदर, ये है साउथ इंडिया का राइट टाइम एक राइड करने को. और स्पेशली जैसा कि मैंने बात की थी, इस टाइम पे मानसून राइड्स भी चल जाती है. बट हाँ, मानसून राइड्स अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर यू आर हैविंग योर राइट काइंड ऑफ अ गियर, हाई विजिबिलिटी जैकेट्स, योर रेल लाइनर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर वाटरप्रूफ बूट्स. तो then your monsoon ride will be pleasant, enjoyable, and you will relish that ride. Because the thing is ki bina gear ke to maza nahi aata na yaar, aur bheegte bheegte chalane mein bhi koi maza nahi hai. Apna aaram se waterproof gloves dijiye, full liner dijiye, and go for the ride. This is the time for, you know, exploring that places, going around, and scenery is all lush green and blue. So what are you waiting? Just drop into South India and plan your ride, monsoon ride, which is there. You know, plan some places. It can be Ooty, it can be Munnar, it can be your Wayanad. So these are the places where you'll see that lush green things. And along with that, there can be Kudremukh as well.
सो अभी भी आप पहाड़ियाँ देख रहे होंगे मेरे राइट साइड पर, तो बहुत ही सुंदर हरी पहाड़ियाँ, एंड देन यू हैव दैट होल फील ऑफ ब्लू स्काई, राइट? सो या दैट्स हाउ यू नो वी आर एंजॉयिंग दिस, एंड आई थिंक एक चीज़ मिस कर गए हैं इसमें, जो शेड होना चाहिए ना, दैट हैज़ टू बी देयर, बिकॉज इसमें कुछ दिखता नहीं जब सन का रिफ्लेक्शन, सन की रेज होती है ना, पूरा सन टॉप पे होता है आपके, खासकर पीछे होता है। हाँ तो अभी प्लान ये है कि हम लोग रुकेंगे अपना शेल के फ्यूलिंग स्टेशन पर, और वहाँ पे थोड़े बहुत यू नो ईटेबल्स थोड़े ले लेंगे, और थोड़ा आई थिंक आई मिस द सैनिटाइजर एज वेल, सो आई विल पिक अ स्मॉल सैनिटाइजर, ठीक है, वेरी मच नीडेड। और फ्यूल भी एक बारी टॉप अप करा लेंगे, वैसे तो अभी ज़रूरत नहीं है इसको फ्यूल की। सो इफ़ यू सी आई जस्ट लॉस्ट 2 bars, राइट? सो एसेंशली आई हैव इनफ फ्यूल, बट जो फ्यूल क्वालिटी है शेल की वो बहुत ही बढ़िया है, सो जब तक शेल का फ्यूल मिलता है लेट्स टेक द शेल फ्यूल, उसके बाद देखते हैं कि क्या मिलेगा हमें, ठीक है ना। रोड बहुत ही स्मूथ है, नई बनी है लगता है, बट इस पर मार्किंग नहीं हुई है, तो लेन मार्किंग है नहीं इस पर, तो थोड़ा सा आई हैव टू कीप माई आईज पील्ड कि कहाँ जा रही है बाइक और हम कहाँ जा रहे हैं, राइट? सो ओके, सो नाउ यू सी द सीनरी ऑन द लेफ्ट एज वेल, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। ये है मैसूर का आउटर रिंग रोड, सो हम लोग पहुँचे मैसूर में। साजी सर भी अपना कुछ रिकॉर्ड करते हुए जा रहे हैं और बोलते हुए जा रहे हैं, शायद मैं भी उस रिकॉर्डिंग में आऊँगा। तो इनका जो बाइक है दैट इज़ यू नो काइंड ऑफ कम्प्लीटली लोडेड, एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू यू नो कीप योर टूरिंग मोटरसाइकिल। तो ख़ासकर अगर इनकी टूरिंग मोटरसाइकिल की बात करें हम, तो पैनियर्स हैं इसके अंदर, टॉप बॉक्स लगा हुआ है, इट हैज़ गॉट अ क्वाड लॉक फॉर यू नो माउंटिंग द मोबाइल फ़ोन, एंड देन इनफ आई वुड से रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप्स, सो दैट मेक्स हिम विजिबल फ्रॉम few miles, I would say. There's a GSA which is going. Not sure, is it like 1200 or 1250, but quite loaded hai bike jo hai. It's quite loaded. It's a Pondicherry registered bike. So it has a single, what do you say, side water bottle they have placed in. Nice one. So रुक के मिल ही लेते हैं यार थोड़ा। Hi. I'll find out my way. Don't worry, sir. Just lost, I'll give you a call. My name is Sambhav. I recently picked my GSA on 6th May, and then I rode from Chandigarh to Bangalore. Sambhav? Huh? Yes. I think it was there on the group as well. What's your name, sir? You're in the BMW Bangalore group? Yes. I just got added by... I did it on Interceptor also. Yeah. But now when I did it on this... If you're Chandigarh, that means you'll be knowing in Tanvir Singh Rehal. Yeah, actually I rode with very few people. 6th I took the delivery. In 15 days I came back. So I keep on chatting with them, but face to face I have met only Atul, DC and one more guy, Swapnil. These 3-4 I have met. So once I go back, they're planning for Nepal also. I think I'll go back, then I'll get introduced to more people, I think. Sure, all the best. Right, see ya man. So the bike you just saw, it was 1200 GS and quite modified, or you can say pimped up with love, and approximately 21 lakhs, that's what he said, has been spent on that bike. So 21 lakhs on the bike, almost the nearing the cost of the bike itself. So slowly, my funda is that I'll go slow, and slowly I will discover the utility, whatever is needed, and I'll upgrade those accessories in my bike. So we are moving towards the tiger reserve, that is Bandipur Tiger Reserve. So you can see the vegetation around, and you know the scenery, quite beautiful it is. और दूर तक आपको दिखता ही चला जाता है, अच्छा view रहता है, and then probably you can see this serene view. Both left and right side.
So this is your Bandipur Forest Reserve. And now you see after the rain how green it is. And in my previous vlogs, right, you've seen it like dry, burnt, okay, that also. Matlab dry, which is looking like burnt actually. I'm not sure it's burnt or no. But now if you see around, amazing. Oh, elephant. Oh, that's the elephant here. Amazing. Amazing यार, बहुत ही बढ़िया व्यू है. देखते चलो, बस देखते चलो, एंजॉय करते चलो. वाओ यार, हिल्स हिल्स के साथ जंगल बुक वाली स्टोरी याद आ रही है यार मुझे तो, सीरियसली. क्यों ट्रैफिक जैम लगा लिया यार यहाँ पे, इतना बड़ा ट्रैफिक जैम. Oops. To wait for the truck. ट्रैफिक जैम का कॉज क्या है वो देखेंगे अब हम अपने कैमरे में करेंगे रिकॉर्ड, क्योंकि बंदीपुर में ट्रैफिक जैम लग गया यार. टूरिस्ट का ही होगा यार, मतलब लोग बाहर से आ रहे हैं. विजिट कर्नाटका स्टेट अगेन, विजिट अगेन कर्नाटका स्टेट. ओह, दिस इज द रीजन फॉर ट्रैफिक जैम. सीन तो बढ़िया है. ट्रैफिक जैम तो इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे चेकिंग हो रही थी. वो किस चीज़ की चेकिंग थी वो नहीं मुझे पता. बाइक्स को तो वैसे ही नहीं रोक रहा कोई, बाइक्स को रोकना भी नहीं चाहिए बेचारे यार, मतलब बड़ी मुश्किल से मतलब राइड करके पहुंचे होते हैं, तो उनको भी रोकते जाओगे तो कैसे होएगा. वाओ, ये है सीन, बढ़िया. दोनों साइड देखो आप, क्या बढ़िया सीन है. मतलब दोनों साइड ही ग्रीन फॉरेस्ट है और मतलब पूरा अच्छा फील आ रहा है यार, मतलब रियली अमेजिंग. नो स्टॉपिंग, नो फोटोग्राफी, डोंट फीड मंकीज. टाइगर रिजर्व में मंकी रहते हैं तो टाइगर कहाँ रहता है फिर, क्वेश्चन ये है. टाइगर रिजर्व में हाथी रहते हैं तो क्वेश्चन ये है कि फिर टाइगर कहाँ रहता है. वाओ यार, दैट इज अ ट्रेल, अमेजिंग. नो एंट्री क्योंकि यहाँ पे आएगा हाथी. फाइनली साजी सर मिल गए हैं. देन वी हैव टू स्टॉप अहेड, बिट अहेड. गए थे कहाँ, चले गए थे आप? मतलब मैं तो आपको, मैं वेट कर करके आपके रुका हूँ कि मैं सर आपकी आप थोड़ा आगे लगाओ. नहीं, आप आगे थे ना पहले एक्चुअली मेरे से. हाँ, तो मैं देखो पता क्या है, आगे चलो. अगर आपको फिर भी लग रहा था ना मैं वहाँ नहीं मिला तो आप मुझे कॉल करते उस पे पहुँच के. क्या सोचा मालूम, आगे एक मिनट आगे चलो, पेट्रोल डाल के आगे धीरे निकल गए. हाँ आगे चलो, थोड़ा आगे हो जाओ. हाँ ज्यादा स्लोप है क्या? गियर में डाल देंगे ना. डालो. नहीं नहीं देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये सर ठीक है, वो बात सब ठीक है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ. व्हाट आई एम सेइंग इज, जब हमने शेल का सोचा था ना तो आप मेरे को फोन करते. वो पानी रे पानी. So what's special about this particular CCD is that this is in the Tiger Reserve. So if you see around, हमारे bikes वगैरह भी Tiger Reserve में, हम Tiger Reserve में अभी. और ये मधुमलाई के पास जो Tiger Reserve है वहाँ पे वो रहे हमारे bikes, उधर साजी से बैठे.
मधुमलाई राइट। सो अभी वी हैव टेकन अ ब्रेक, मतलब वी हैव कंक्लूडेड अवर ब्रेक। अभी हम लोग जाएंगे कोटागिरी, तो हमारा जो मेन कंसर्न था होटल का वो भी दूर हो गया, वी हैव बुक्ड अ होटल। इस सीसीडी की खास बात ये है कि आपको जो व्यू मिलता है ना सामने का वो बहुत ही बढ़िया है। पार्किंग भी यहाँ एम्पल है, हमने बाइक्स एक्चुअली वहाँ लगा दिए थे, वो थोड़ा शेड है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे सामने भी पार्किंग बहुत बिल्कुल एम्पल पार्किंग है। और थोड़ा सा स्केची है टेरेन, सो जस्ट मेक श्योर यू आर व्हेन यू गेटिंग ऑफ द रोड यू आर जस्ट कीपिंग योर आईज ऑन द एजेस राइट। वेन एवर आई विजिट ऊटी और आई एम ऑन दिस रूट आई डेफिनेटली स्टॉप हेयर, इट्स अ गुड प्लेस। ओके, वंस यू आर यू एंटर द मधुमलाई फॉरेस्ट देन यू विल एक्सपीरियंस दिस सीसीडी। ओके, हेयर द वाटर टैंक इज ऑल्सो केप्ट लाइक द जंगल। प्रोफेशन आई जस्ट डू इट फॉर फन, फॉर माई फ्रेंड्स कंपनी एंड मेमरीज, दैट्स इट। अदरवाइज आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर। हाँ, वीकेंड्स, सो दैट्स वाई यू माइट नॉट फाइंड वेरी फ्रीक्वेंट व्लॉग्स, बट हाँ इन मंथ आई पुट थ्री टू फोर व्लॉग्स। यस यू विल गेट इट। एडवोकेट, ओके, या लॉट ऑफ लॉयर्स राइड विद अस इन दिस BMW। ठीक है, सो व्हाट आर यू डूइंग हियर राइट नाउ? I came with my friends from Hyderabad. Acha. All my childhood friends. Haha. Good. Lot of we'll go for a bike ride and all. Haha. Good, yeah, good. Hello, very nice. Chala. Now we are going back. To Bangalore, Hyderabad. To Hyderabad. No, I'm staying in Bangalore. You staying in Bangalore? For a day or two, I'll be staying in Bangalore. Okay, good man. Weather is nice in Bangalore. Yes. Yeah, I crossed Hyderabad. Weather was really good compared to Delhi. Delhi was like 48 degrees. Yeah, I've made the vlog on that. You need cyclone, sir, huh? Ask those people who suffered that cyclone. Like, sab log maza kiye. Ha. So I think we are all set. 63 kilometers is the hotel. Okay. Chalo, bye bye. Bye. Theek hai, bye bye. Bye bye. See ya. So we are going to start ab aram se bhi. Saji sir is coming. Okay, he will come and we'll go. Amazing yaar, acha raha apna humne stop time pe le liya tha. And then ab to 50-60 kilometer hi reh gaya hai the you know distance to hotel. So we'll just stand there and wow, what a scene man. बहुत ही सुंदर सीन है, जो खड़े होके जो मज़ा आता है ना इस बाइक पे, मतलब इट्स फैंटास्टिक। ओह वाओ मैन, मडी हो गया है थोड़ा सा। तो गाइज आ गए हम अपने कंट्री साइड रोड में, बिल्कुल कंट्री साइड है ये, बट हिल्स में है। तो आप इधर की सीनरी देखो, बढ़िया है एकदम, and the way the things are too green. Kya scene hai, matlab beautiful weather hi itna badhiya hai. To hua kya hai na, barish ki wajah se mitti aa gayi hai road par, and I think isme thoda sa cautious rehna padega apne aap ko, but bike is giving me complete confidence, tires bhi saath mein jo dale hue hain isme. साजी सर काफ़ी आगे निकल गए मुझे लग रहा है। தமிழ் கன்னடா இங்கிலீஷ் எது வேணாலும் பேசுங்க. பெங்களூர்ல இருந்து
नहीं फोटो वीडियो वहीं से ले लो ना, यू टेक फ्रॉम देयर. यू वांट अस टू टेक द वीडियो. पता नहीं इसको उस पे डालनी होगी अपने किसी इंस्टाग्राम पे. ओके ओके ठीक है चलो. फैन पेज फॉर इंस्टाग्राम. ओके ओके गुड गुड गुड. फैन पेज. फैन पेज इंस्टाग्राम. ओके सो यू नॉट सपोज टू. ओके ओके सो नहीं नहीं भाई वेट वन फोटो वन फोटो. ओके वेट ना आई विल मैनेज. कम आई विल मैनेज. Okay, so everybody has a dream and we don't want to kill anybody's dream. उसमें भी नहीं पहुंच रहा है. ये लेके गिरा देगा. हाँ ये नहीं दे सकता भाई मैं. वो उसमें ही नहीं पहुंच रहा तो कहाँ है, कहाँ तेरा वीडियो. तो देर इज अ तुम फ्रीडम फिल्म्स उसको बोलना फॉलो कर ले. फ्रीडम फिल्म यूट्यूब चैनल फॉलो. योर वीडियो विल कम. वी आर रिकॉर्डिंग यू. सब्सक्राइब नाउ. हाँ ये उंगली कुछ और दिखा रही है वैसे. ओके फाइन विल डू दैट. हैप्पी मैन. गिरेगा गिरेगा. स्टैंड उस तरफ आराम से. सो देयर आर पीपल हु रियली लुक फॉर यू नो. सीट खराब कर दिया. क्लीनिंग. ओके फोटो எடுக்க எல்லாம் உட்டா நீ மெர்சிட் போறா எப்படி. ओके सॉरी आते हैं मिस्टेक मैंने सर देना क्लीन पड़ी रे. सॉरी फॉरएवर. ओके थैंक यू मैन. थैंक यू. कैटेगरी देन गोइंग फॉर राइट. दिस कॉर्नर इज राइट. देन फॉरएवर. या दिस एरिया राइट. दिस एरिया इज लेफ्ट. दिस एरिया लेफ्ट. देन गोइंग फॉर राइट. हां इधर गूगल स्ट्रेट फॉर दिखा देगा तू. कैटेगरी. ऑसम मैन. व्हाट्स योर नेम. गौतम. गौतम. ओके गुड. आई एम संभव. पर ना वुंदर ओके. What CC for 1250. So I think he got overexcited looking at the BMW. And this is not the first reaction I'm getting. अभी जहाँ पे भी जा रहा हूँ ना वैसे ही reaction मिल रहा है मेरे को सबसे. तो essentially क्या है कि people get excited and we should be very I won't say sensitive but we should be caring about people's emotion. हाँ जहाँ जो limit तक आप allow कर सकते हैं photos video लेना वो कर दीजिए. because मैं सोचता हूँ कभी एक time पर मेरे साथ भी ऐसा था कि मेरे पास ये bike नहीं था और मैं जब कोई bike जा रहा होता था BMW 1250 GS या 1200 GS मैं बड़ा excited हो जाता था उसको देख के. तो वो emotion के साथ मैं relate कर सकता हूँ. but few people you know tend to stop and take a photograph. तो हमें वो हमेशा उससे respectful, we should be respectful towards their emotions. So yeah, though he was not able to, he won't be able to handle the weight of the bike and then already जो साजी सर का bike था, it was about to fall. तो ठीक है, it's okay. चलो भाई, see ya, take care, bye bye. So his name was Gautam and he stopped us and then he is like, okay, see the way he's riding. ठीक है मतलब ही नोज दीज रोड्स एंड ही इज बीन इन एंड आउट ऑन दीज रोड्स बिकॉज अ बाइक इज़ प्रीटी मच हैवी यू नो बी टू बी रियली श्योर. दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस मैन. लास्ट टाइम आई केम हेयर बट द एंटायर ट्रिप वॉज रुइंड यार बिकॉज आई वुड जस्ट आई वुड वॉन्ट टू से के you know you should know whom you are riding with so that these company can really you know change the way your trip will be and also it can make it you know much more enjoyable and at same time it can just ruin it. So that's what I was bit apprehensive about.
सो साजी सर के साथ तो हमने बहुत राइड की है, बहुत ट्रैवल किया है, तो हम लोग का ये है कि केमिस्ट्री ठीक है, मतलब इन द सेंस वी अच्छा देयर इज अ जीप व्हिच इज कमिंग, आई थॉट लाइक साजी सर व्हेन साजी सर गॉट दिस हॉर्न इंस्टॉल्ड व्हाई. कोटागिरी हाँ हाँ ओके हाँ या या आई गो यस अट्टापट्टू हाँ राइट थैंक्स थैंक्स मैन थैंक्स थैंक्स लॉट पीपल आर रियली हेल्पफुल बट आई एम नॉट एबल टू मेक आउट व्हाट यू आर सेइंग अट्टापट्टू और समथिंग आई थिंक आई टुक अब यहाँ इस स्लो पेस बाइक को मोड़ना Come on, baby. Come on. Hello. 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 घुमा रहा हूँ. अरे घुमा रहा हूँ सर. वो पता है जगह ढूंढ रहा था मैं. स्लोप पे ऐसे नहीं घूम सकता ना. हाँ. No worries. I'm coming back. Okay. सो एसेंशली मुझे पता ही नहीं लगा. ओ उप्स इट वॉज डैम रिस्की. हम लोग एज यूजुअल गलत रास्ते पे आ गए थे तो अब हमने थोड़ी देर लगी है ब्रेक और नाउ वी आर रोलिंग बैक टूवर्ड्स आर होटल विच इज़ लाइक 40 किलोमीटर्स अवे. तो हम 40 किलोमीटर जाएंगे तो एक घंटा बता रहा है क्योंकि हिल रोड्स ऐसी ही हैं यहाँ पर. सो वंस साजी सर टेक्स अ लीड देन प्रॉब्ली आई विल आल्सो गो. अभी शाम होने वाली है एंड हमारा जो होटल हमने बुक किया था द गाय इज़ रिफ्यूजिंग टू ऑफर द रूम. तो ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है. मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पहले अपना होटल वगैरह बुक कर लीजिए. तो अब ही सेइंग कि भाई हमारे पास तो रूम है नहीं. booking.com कह रहा है कि आपका रूम कन्फर्म्ड है और होटल वाला जो ओनर है वो कह रहा है कि हमारे पास रूम नहीं है. और ये एक बारी मेरे साथ पहले भी हो चुका है. मैं ट्रैवल कर रहा था तो आई रीच दी होटल एंड दे सेड नहीं सर हमारे पास तो रूम सारे बुक हो गए. तो उसके बाद क्या हुआ कि हम दूसरी जगह गए, उन्होंने दूसरी जगह हमें रूम दिया बट देन दे वर लाइक इल ट्रीटिंग अस, यू नो एक्टिंग लाइक दे आर डूइंग सम फेवर टू अस. तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो मतलब एसेंशली ये पहली बार ही नहीं है. आई थिंक एक बारी हम लोग बदामी गए थे तब भी हमें शायद होटल मिलने में थोड़ी सी इशू तो हो ही गया था. पर हमें फाइनली फिर एक बहुत अच्छा होटल मिला था जहाँ पर अच्छे से हमने स्टे किया एंड इट वॉज़ रियली गुड. तो अभी साजी सर फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या करेंगे, है ना साजी सर? यस, वी आर ट्राइंग टू कॉल एंड सी. तो अब हमने सोचा था बीच में स्नैक्स नूक से थोड़े थोड़े खाते चले थे हम. तो अभी तो भूख कोई ज़्यादा लगी नहीं तो बट देन आई थॉट ऑफ आई माइट मंच एन एप्पल राइट नाउ. यार मैंने यही चीज़ सजेस्ट करी थी साजी सर को कि बुकिंग हम पहले करके आएँ क्योंकि ऊटी वगैरह जैसी जगह है ना यहाँ पे सब कुछ फुल हो जाता है वीकेंड पे. सो लेट्स प्लान. और गाइज आप भी अगर आ रहे हो ऊटी का आपका प्लान है तो प्लीज़ अपने होटल्स वगैरह पहले से बुक कर रखो, अदरवाइज इट विल बी एन इशू एंड यू विल जस्ट बी ट्रैप्ड हियर. तो हेयर पिन बेंड्स तो है ही है यहाँ बट सी सनसेट से पहले हमें होटल ढूंढना था वो हम लोगों ने ढूंढ ही लिया है. गाइज अभी हुआ ये है कि हमारे पास रूम तो मिला नहीं है अभी. आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर साजी सर. देर ही इज़ एंड आई थिंक अभी हम मुझे ये लग रहा है कि लेट्स रिटर्न बैक टू बैंगलोर या बैंगलोर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर कोई मिलता है रूम वगैरह हमें तो देन वी विल ट्राई टू स्टे देयर. बिकॉज दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो थकान नहीं होनी चाहिए हमें और वी शुड नॉट बी ट्रैप्ड इन अ रॉन्ग सिचुएशन. ओके सो लेट मी जस्ट हैव अ वर्ड विद साजी सर व्हाट ही थिंक्स अबाउट माय रिकमेंडेशन सजेशन और हाउस वेवर इट इज. ही इज स्टिल देयर टॉकिंग.
that person. हाँ जी क्या करने हैं बताओ फिर. नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, now on online side channel it is not coming. एक काम करते हैं, let's return towards Bangalore. रास्ते में जहाँ थक जाएंगे अगर लगेगा तो we will stop at a populated place. जैसा भी है वो करते हैं. अब क्या, अब कुछ नहीं कर सकते. व्हाट आई एम टेलिंग, अगर यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ बिजी है. हाँ एन रूट में अभी एक कुछ 20-30 किलोमीटर में अगर हमें मिल रहा है, राइट, वी कैन स्टे देयर एंड कम बैक टुमारो मॉर्निंग ना. हाँ वो भी कर सकते हैं, लेट्स कीप ऑल द ऑप्शंस ओपन. हाँ दैट्स व्हाट, दैट्स द ओनली वे टू डू नाउ. ठीक है, यहाँ पे फोन कर सकते हैं, पर सुबह में लग गया तो लग सकता है. नहीं छोड़ो, अभी फ़ोन मत करो, रास्ते में कुछ दिखेगा तो देन. बट ये आपसे मेरा सजेशन ये है कि आप ना, मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा ना होने देना आप अपने बीच में. अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको तो यू स्टॉप. हाँ ठीक है. हाँ ओके, तो अभी यही डिसाइड हुआ है कि वी विल जस्ट गो एंड वी विल ट्राई टू फाइंड सम प्लेस. Because my discs were also making noise, ये चीज़ है. तो अभी देखते हैं कि एक जगह सेंटर स्टैंड पर लगा के वीडियो भेजना पड़ेगा, वो मैं करता हूँ साजी सर को बोल. अभी बस सिचुएशन यार वही है, हम काइंड ऑफ स्ट्रैंडेड, मतलब स्ट्रैंडेड इन द सेंस कोई होटल नहीं मिला, सो वी हैव टू रिटर्न बैक टू बैंगलोर. और ये ट्रिप ये ऐसे ही जाने वाला है, बाइक मेरा ये खड़ा है सामने. और मैंने क्या किया है, साजी सर को बोला है कि आप प्लीज़ मेरी लोकेशन पे आ जाओ, आई हैव सेंट हिम माय यू नो लोकेशन, सो ही विल बी देयर, ही विल बी हियर सून. एंड देन प्रोबेबली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिसाइड कि क्या चीज़ है, क्योंकि आई हैव बीन टेलिंग हिम, मतलब अभी तो बहुत बारी मैंने उन्हें बोल दिया, डिस्कस कर लिया, बट ही स्टिल आई थिंक आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज हेड. Let's see, once he comes in, let's discuss it, put one plan and then let's go by that plan. Exactly to Bangalore, because अभी Bangalore का हमने सोचा नहीं है कि कहाँ तक हम पहुँचेंगे आज रात को, क्योंकि अभी हमें होटल नहीं मिला. तो अभी डिसीजन यही लिया गया है कि वी विल बी हेडिंग towards Bangalore, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है. See you guys. So अब हम चल दिए हैं अपना towards Bangalore. That is not exactly Bangalore. He was coming too fast. So he just crashed in front of me. This is dead. यहाँ नहीं जा सकते हम, पीछे दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा किसी. जैसे मैंने मेंशन किया था, अभी हमारे पास कोई होटल नहीं मिला है हमें, और वी आर रिटर्निंग बैक टूवर्ड्स बैंगलोर. अभी देखते हैं रास्ते में अगर कोई मिल जाए तो. देखो हाई बीम पे कितना ज़्यादा लोग आते हैं. हाँ तो मैं क्या कह रहा था, वहाँ में वापसी में कोई होटल मिल जाए तो बढ़िया है, because that will be quite relaxing. क्योंकि अभी पूरे दिन से राइड करते 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 हम लोग कैसे पहुँचेंगे बैंगलोर, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. देखते हैं. और कल बाइक को एक बार ही सर्विस स्टेशन भी लेके जाना पड़ेगा, फ्रंट व्हील में नॉइज़ आ रहा है. अभी एसेंशली यही डिसाइड हुआ कि हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हम रन कर सकते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई अगर होटल लेना होगा तो वी विल टेक अ रेस्ट और विल कंटिन्यू बैक टू बैंगलोर. तो क्योंकि होटल तो अपने को मिला नहीं ना, हम कुछ एक्सप्लोर कर पाए, इट वाज जस्ट लाइक अ बाइकिंग राउंड ट्रिप जिसको कह लो. बट हाँ, सो अराउंड 700 किलोमीटर्स से ज़्यादा चल चुका है बाइक ये है. So I think by the time I'll reach Bangalore, it'll be close to 4,000 kilometers. If it starts raining, it'll be further more difficult. So right now I am all alone. Saji sir is coming behind. मुझे बीच बीच में शायद उनकी लाइट दिख रही है, but अंधेरा काफ़ी हो चुका है और
रोड पे कोई भी नहीं है सीरियसली, मतलब देयर इज नो वन ऑन द रोड, बट एक तरीके से ठीक भी है और एक तरह से थोड़ा सा इन चीज़ों में रिस्क भी हो जाता है. आई विल गो स्लो. ये तो कुछ लोग तो हाई बीम पे ही आ रहे होते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. चलते चलते हैं भाई, आज तो लंबी राइड होने वाली है. आज मुझे लगता है अब हम सुबह ही पहुँचेंगे और सुबह जाके सीधा मैंने सो जाना है. तो दिस इज़ गोना बी अ एडवेंचर राइड विच वी रिमेंबर, कि हमें ऊटी से ही निकलना पड़ा कोटागिरी से, क्योंकि जगह ही नहीं थी वहाँ पे. लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे बाहर लॉजेस के, होटल्स के, रिजॉर्ट्स के, कुछ तो मिल जाए. एंड द थिंग इज़ द प्राइसेज ऑफ रूम्स वर एग्जॉर्बिडेंटली हाई, लाइक अबनॉक्शियस प्राइसिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल वन रूम नॉर्मल बेड पड़ा है उसके अंदर 6,000 रुपये पर नाइट. यार 6,000 रुपये में मैं 5-star रेंट कर लेता हूँ. तो दैट वॉज द थिंग. अगर आप इसको डिमांड और सप्लाई की बात करें तो डिमांड और सप्लाई की बात नहीं थी ये किसी भी हालत में. तो ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल बम्प अप था. यार साजी सर ना मेरे को दिख नहीं रहे और मुझे टेंशन हो रही है काफ़ी ज़्यादा. बीच बीच में ना मतलब ये बहुत ज़्यादा पीछे रह रहे हैं, उनको नींद भी आ रही है. मैंने इनको बोला था कि यू स्टार्ट टॉकिंग टू मी. अब जैसे ही 5 किलोमीटर रह गए हैं मैं क्या मेड टू पल्लियम वहाँ पर रुकते हैं. रोड्स बिल्कुल सुनसान है यहाँ पर. कोई ब्रेक डाउन किसी का हो गया तो हेल्प ही नहीं मिलेगी. अच्छा यार मैं तो 60 की स्पीड पे ही चल रहा हूँ ताकि कोई पॉट होल पोट होल का भी कोई इशू ना आए. हाई बीम पे ही चलेंगे. फिर हमने भी हाई बीम दिखा दी. हो तो अभी बज रहे हैं सुबह के 1 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट. एंड वी हैव टेकन अ ब्रेक राइट नाउ. थोड़ा सा अपना मतलब लाइनर वगैरह खोल लिया हम लोगों ने और अभी देख रहे हैं कि मतलब पानी वानी पियेंगे उसके बाद चलेंगे. बैंगलोर रह गया 258 और हमारा जो ट्रिप है ये थोड़ा मतलब ठीक है, लर्निंग एडवेंचर वाला हुआ ठीक है. पर ये चीज़ है कि वी इंजॉयड इट, राइड अच्छी रही और काफ़ी सारे चैलेंजेस आते रहे बीच में. मतलब चैलेंजेस ऐसे लाइक बॉडी फटीग भी काफ़ी हो गया है. एंड बट टू ओवरकम दैट वी आर ट्राइंग टू टेक एज मच एज ब्रेक वी कैन राइड. तो सुबह के अभी 3:30 बज रहे हैं और हम लोगों को लग रहा था बहुत ज़्यादा ड्राउजी, तो हम लोगों ने एक अच्छा सा ब्रेक लिया जिसमें हमने 2-2 पैक चाय पिए है ना. और आफ्टर हैविंग चाय वी आर फीलिंग रिफ्रेश्ड. अब चलेंगे हम बैंगलोर की तरफ एंड देन विल कीप यू पोस्टेड. सो गाइस जब भी आपको भी लगे कभी ड्राउजी या कभी ऐसा लगे कि भाई नहीं चल रही गाड़ी तो यार रुक जाओ, दैट्स व्हाट आई वुड से. ठीक है कोई वो नहीं है, मतलब इसमें ईगो वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है कि आपको तो रुकना पड़ रहा है, आप राइड नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है. सो दैट्स व्हाट वी डिड एंड वी आर फीलिंग क्वाइट रिफ्रेश नाउ. साजी सर इज़ देयर एंड माय बाइक इज़ आल्सो रेडी एंड आई एम रेडी. ही इज़ जस्ट अनमाउंटिंग हिज गोप्रो राइट नाउ एंड विल कंटिन्यू द जर्नी एंड विल कीप यू पोस्टेड गाइज. पूरा और अभी हम यहाँ पे फ्यूल स्टेशन पे लेट गए थे पूरा, जैसे कि आपने देखा. और आई थिंक रिक्वायर्ड भी था बहुत ज़्यादा, मतलब जो कंडीशन हो गई थी हमारी, एंड्योरेंस पूरी टेस्ट हो गई है. मतलब 24 घंटे से हम राइड कर रहे हैं, तो 24 घंटे राइड करना इन इटसेल्फ इज़ अ टास्क, आप क्या ही कह सकते हैं. मतलब इतनी राइडिंग के बाद अभी मेरा अगले वीकेंड का तो कोई प्लान नहीं है अब राइड करने का, मुझे लग रहा है. मैं सारे पुराने व्लॉग्स जो है पेंडिंग है वो सब ख़त्म करूँगा. और हाँ क्या बोलूँ यार, व्हाट शुड आई से. सो साजी सर इज चार्ज्ड अप नाउ, एनर्जी फुल है. और एनर्जी क्यों ना हो, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक नैप भी ले लिया था. सो अब हो चुकी है सुबह अगले दिन की और सनराइज़ हो चुका है, मतलब संडे मॉर्निंग. अब लोग राइड पे जा रहे होंगे तो अब हम वापस आ रहे हैं, बट ये एंड्योरेंस ऐसी रही कि कंटिन्यूसली 24 घंटे हम लोगों ने राइड किया है.
और ब्रेक्स लेके, और आपने देखा क्या क्या चैलेंजेस बीच में आए, उनको हमने कैसे इनकाउंटर किया। अभी भी मेरे से मुझे एक टाइम पे लगा कि मैं बाइक एक लेन में नहीं रख पा रहा हूँ, तो इमीडिएटली मैंने साजी सर को बोला कि लेट्स टेक अ ब्रेक। यार पता क्या है, ये कंपनी भी बहुत मैटर करती है, मतलब आप किसके साथ राइड कर रहे हो। मैं वो हमेशा बोलता हूँ कि होम यू आर राइडिंग विद, ठीक है, व्हाट यू आर राइडिंग तो मैटर करता ही होगा, मतलब ठीक है, मतलब बट होम यू आर राइडिंग विद। तो साजी सर बोले कि आराम से चलेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और अपना यही इक्वेशन अपना यही रहता है हमेशा, मेरा साजी सर का, और स्पेशली मनी सर भी कभी कभी साथ में होते हैं, तो हमारा इक्वेशन यही रहता है कि कोई थक रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, भैया रुक जाते हैं, हमारे को कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है, ना हमारे को कोई इस चीज़ जस्टिफाई करनी है किसी को कि हमें इतने बजे पहुंचना है उतने बजे पहुंचना है, वो सारी चीज़ें केप्ट अपार्ट। बिल्कुल सही चल रहा है, और अब घर जाके अच्छे से खूब सारा आराम करना है और शाम तक आराम करना है, और उसके बाद उठूँगा और उसके बाद बात करते हैं। और अभी तो मैं ब्लॉग नहीं पोस्ट कर पाऊँगा इमीडिएटली, तो है ना साजी सर, आराम से चलेंगे ना। I'll take more breaks then. अभी that's what I was thinking. चलो कोई नहीं, जैसा भी रहा, but the thing was an experience. Experience था. Enduro ride. Endurance ride. हाँ, endurance ride. Endurance ride, yeah. राइड रहा ठीक है। अब हम वहाँ होटल नहीं मिला, तो मैनेज कैसे करना है, क्या 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 चीज़ें आप कर सकते हो जब आपको ऐसा होटल नहीं मिला, और नेक्स्ट टाइम से हम प्लान बेटर कर लेंगे, वो अलग बात है। कितना ब्रेक्स लेना है, थकना नहीं चाहिए, सोना नहीं, तो वो सारी चीज़ें हुई हैं। हाँ, रिफ्रेश किया, पानी मिलते थोड़ी देर। सो वी पिक्ड अप द मैंगोज फ्रॉम द स्टॉल, तो मैंने भी एक किलो रत्नागिरी मैंगोज़ ले लिए हैं, अल्फोंसो ले लिए हैं, एंड साजी सर इज आई थिंक गेटिंग सम चेंज फ्रॉम दैट लेडी। टाइम बाय बाय कहने का, ठीक है सर, चलो ओके बाय बाय, ठीक है, राइड सेफ, और घर पहुंच के मैसेज कर देना, ठीक है, ठीक, चलो बाय बाय, ओके बाय बाय बाय, ठीक है, श्योर। तो चलिए, सो टाइम टू से सी अगेन। अब राइड ऑल एंड ऑल बहुत अच्छी रही, एंड एज यू सॉ, मतलब कोई बात नहीं, अगर होटल नहीं मिला तो हमारी राइड तो बढ़िया रही। इट इज़ कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड 24 आवर राइड, और टिप्स फॉर 24 आवर राइडिंग जो कि हमने शेयर किया आज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड विल बी राइट बैक विद एन इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ अनदर जर्नी और अनदर राइड और अ प्रोडक्ट वीडियो और मे बी अ बाइक रिव्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर फ्रीडम फिल्म्स।